सिंह है, मैं वार्ड नंबर 13 शास्त्री नगर कठुआ के रहने वाला हूँ और रणजीत सागर डैम पर एज ए ड्राइवर मैं सर्विस करता हूँ। हमारी प्रॉब्लम है सर, हम जो जी एंड के पंजाब में सर्विस करते हैं आरएसडीएम डैम में, हमें आने जाने के लिए प्रॉब्लम है। हमें डेली अप डाउन करना है अपनी ड्यूटी के लिए, हमें 3-3 महीनों के घर बैठे हुए, और हमारे जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिस हैं वो 100% हमारी अटेंडेंस मांग रहे हैं। हमें बताया जाए हम क्या करें, कहाँ जाएं, ये हमारी एक मेन प्रॉब्लम है। हमारा गेट ऊपर डैम साइड है, मेन गेट उसको भी लॉक किया हुआ है, इधर लखनपुर भी लॉक किया हुआ है। हम जाएं अप डाउन करना है डेली, हमें अगर हम पार कहीं रेजिडेंस रखते हैं तो भी हमें वो तंग करते हैं, कहते हैं किस दिन के लिए चलो क्वारंटाइन करो। आपके जरिए, आप ही हमारा मीडिया के जरिए हम अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि हमारा कोई सरकार, जे एंड के जम्मू कश्मीर सरकार चाहे पंजाब सरकार, आपस में तालमेल बना के हमारे इन सभी मुलाजिमों का कुछ न कुछ हल किया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है सर। कितने मुलाजिम जो हमारा आई कार्ड है वो उसको ही पास माना जाए। कितने मुलाजिम हो गए? मुलाजिम सर ये खड़े हैं कम से कम 80-90 के करीब तो होंगे होंगे, 500 तो है ही। कहाँ पे आपको रोका जाता है जहाँ से जाने से? हमारी ड्यूटी है सर शाहपुरकंडी बैराज में भी है, शाहपुरकंडी डैम में भी है, प्लस जो डैम के ऊपर है दफ्तर है वही भी है, और एसडी डैम पे दोनों तरफ हमारे दफ्तर हैं। कुछ लोगों हमारे कोई लोगों की फील्ड में ड्यूटी है, कुछ नीचे दफ्तरों में है, इसलिए हमारे कोई सरकार टू सरकार ऐसी बात बनाई जाए आपके थ्रू जो कि हमारा मसला हल हो जाए। सर किसी अधिकारी से मिले पहले इस मसले? हम डीसी साहब के पास गए थे कठुआ में जी, वो पिछले हफ्ते में, वो कहते हैं मेरे पास कोई सलूशन नहीं है। फिर अपने जो हमारे अधिकारी हैं उनको कहते हो, कहते हैं अपने सरकार से बात करो जम्मू कश्मीर सरकार से, हमें बताया जाए हम जाएं तो जाएं कहां से। मैं शास्त्री नगर वार्ड नंबर 13 कठुआ का रहने वाला हूँ जी। सर मैं रणजीत सागर डैम में एज ए शावर ऑपरेटर काम करता हूँ। अब हमें ड्यूटी जाने की बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे रेडी सीजन आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो एमरजेंसी ड्यूटी हमारी लगी हुई है, तो हमें आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा मेन गेट भी बंद पड़ा हुआ है जो रणजीत सागर डैम का डैम में पड़ता है, हमें वहां से जाने की इजाजत दी जाए। हमारा जो आई कार्ड है इसी को पास मानकर हमें डेली अप डाउन की इजाजत दी जाए। सरबंध करता हूँ, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के तहसील बलौर मसौली बणी तक और सांबे तक जो मुलाजम हमारे आरएसडी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इस कोरोना बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा था उसके बेस पे हर कोई घर पे रुका हुआ है। अब हमारे पंजाब स्टेट के पिछले महीने मई महीने के 4 तारीख से कंटिन्यू जो है वो ऑफिशियली काम फील्ड का काम चल रहा है, वहाँ के मुलाजम जो है ना अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं वहाँ के मुलाजम। और अब पंजाब स्टेट की सरकार के गवर्नमेंट के हदायत के अनुसार वहाँ जो 100% मुलाजमों की जो अटेंडेंस चल रही है वो हमारे पे इतराज कर रहे हैं कि आप जो जेएंडके के मुलाजम हैं वो ड्यूटी पे क्यों नहीं आते, वो हमारे पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये है पसोली पुल वहाँ पे भी बंद किया हुआ है, एक 14 नंबर जो मेन गेट है आरएसडी प्रोजेक्ट का थे उसको भी बिल्कुल लॉक किया हुआ है, और लखनपुर पे हमारे पे पाबंदी लगा रहे हैं पे आप नहीं जा सकते, जा सकते हैं आप आ नहीं सकते। तो इसलिए हम जहाँ के रेजिडेंस हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रेजिडेंस हैं, तो इसलिए हमारी मैं आपके मीडिया के माध्यम से जहाँ के प्रशासन को माननीय डीसी को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हम एक छोटे तबके पे नौकरी कर रहे हैं, सी और डी क्लास के मुलाजम हैं, हमारे पे कृपा की जाए, हमें जो हमारा डेंटी कार्ड जो पास दिया हुआ है, डेंटी कार्ड इशू हमारी गवर्नमेंट ने किया हुआ है कैबिनेट 13 ने, उसको जरा पास माना जाए और हमें आन जान की अनुमति दी जाए। और जो मेन गेट हमारा जो 14 नंबर थे पड़ता है आरआईटी प्रोजेक्ट पे उसको खोला जाए, और इधर से भी और बसोली से जो हमारे मुलाजम है उनको भी आई कार्ड के माध्यम से उनको ड्यूटी जाने की अनुमति दी जाए ताकि गरीब लोग जो है अपना घर चला सके, इनको इतनी बड़ी मजबूरी ना पड़े। यही मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हमारे डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, यही हमारी रिक्वेस्ट है।